Good evening, everyone. ओके सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरा नाम है ज्योति कुमारी और आप मुझे देख रहे हैं अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी एक एजुकेटर लाइव आए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोलॉजी पार्ट वन के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से लाइक like, मेनली आज का हमारा डिस्कशन होगा मेनली बेसिक्स से रिलेटेड कि बेसिक्स क्या क्या होते हैं बिकॉज बिना बेसिक्स को डील किए हुए आप जो है कोई भी यूनिट हो आप उसे डील नहीं कर सकते हैं ओके And apart from this, अगर आप, अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है अन अकेडमी पे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ज्योति कुमारी नाम टाइप करके प्रोफाइल पे विजिट करकेडमी कर okay. so, जो है सी एस आई आर कॉम्बैक्ट दैट इज टेस्ट लॉन्च कर रहा है और आप लाइक like, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट मैंशन करके रखा है दैट इज सेवेंटींथ ऑफ जनवरी ओके टू पी पे पहला दैट इज कॉम्बैट सीरीज स्टार्ट होगा ये एक कॉन्टेस्ट की तरह है जिसमें कि आपको आपके फील्ड से रिलेटेड मतलब सी एस आर फील्ड से रिलेटेड ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन दिए जाएंगे लगभग सिक्सटी मिनट्स का होगा ओके okay? जिन जो मतलब आप कह सकते हो कि जिनका रैंकिंग अच्छा होगा ऑब्वियसली लाइक यहाँ पे मैंशन कर रखा है क्या क्या रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं आप इसको फ्रीली इनरोल कर सकते हैं अगर आपने आपके मोबाइल में अनएकेडमी का लर्निंग ऐप है तो आप इसे फ्रीली इनरोल कर सकते हैं और अटेंड भी कर सकते हैं आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अभी भी अनएकेडमी का लर्निंग ऐप नहीं है एंड दे वॉन्ट की इस पर्टिकुलर कॉम्बैट सीरीज में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो माइट भी जब आप इसको जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे आपसे कोड पूछेगा आप ऐप के इंस्टॉलेशन के बाद जब आप लॉग इन करेंगे तो आप जो है कोड मेरा डाल सकते हैं दैट इज ज्योति ये कोड आपको जो है लाइक like, अनलॉक करवा देगा उस प्लेटफॉर्म पे यानी उसके बाद आप सारी चीजें वहां पे देख सकते हैं ओके okay? तो ये आपके लिए गुड न्यूज था आप इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा सकते हैं और रिवॉर्ड के फॉर्म में बहुत सी चीजें आप लोग के लिए रखी गई हैं और 23 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन का लेवल जो है एकदम सी जैसा होगा क्योंकि प्लेटफॉर्म के टॉप एजुकेटर्स इन क्वेश्चन को डिजाइन कर रहे हैं तो क्वेश्चन के क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे वो ठीक है तो यू वॉन्ट इफ यू वॉन्ट यू कैन इनरोल ये पहला जो टेस्ट सीरीज होगा वो सॉरी पहला जो कॉम्बैक्ट कॉन्टेस्ट होगा वो होगा सेवेंटी ऑफ जनवरी को दो बजे ओके फाइन और इनकेस आप में से कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो वो मुझे अन अकेडमी प्लस पे भी ज्वाइन कर सकता है जहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट्स को लाइव पढ़ाती हूँ यहाँ पे मैं स्ट्रक्चरल लाइक स्ट्रक्चरल बेसिस पे जो है कोर्सेज को कंप्लीट करती हूँ जो तो यूनिट्स में कवर करती हूँ वो है लगभग आप कह सकते हो दैट इज टू फोर फाइव सिक्स टेन इलेवन ओके ये यूनिट्स को मैं कवर करती हूँ तो आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बाकी यूनिट्स के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर और भी एजुकेटर्स मिल जाएंगे बेनिफिट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुके टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं डेली इंटरेक्टिव सेशंस होती हैं रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाती हैं लाइव मॉक टेस्ट जो है वो भी देखने को मिल सकता है आपको पी मिल जाते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से रखे जाते हैं आप सभी एजुकेटर की क्लासेस को सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में अटेंड कर सकते हैं इवन जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस भी इसी में ही इंक्लूडेड होती हैं तो अगर हम रिकमेंडेशन के तौर पर कहें तो आप सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर ट्वेल्व मंथ का क्योंकि इससे कम ड्यूरेशन में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और जो डिस्काउंटेड अमाउंट है वो होगा एट फाइव जीरो फॉर दिक्कस मंथ के लिए होगा टेन थ्री नाइन फाइव और ये अमाउंट आपको तभी मिलेगा जब आप ज्योति रेफरल कोड इस्तेमाल करोगे अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा ओके तो दिस विल बी दिस कोड दैट इज ज्योति कोड विल बी गिविंग यू द डिस्काउंट ऑफ टोटल टेन परसेंट और यहाँ पे डिटेल है जो भी बैच क्लासेस मेरी शुरू होने वाली हैं दैट इज जान के मन से एथ जान से जो है एक बैच क्लास स्टार्ट हो जाएगी ऑलरेडी एक बैच क्लास जो है मेरी चल रही है यस yes. सभी को गुड इवनिंग हेलो अनुष्का ज्योति मेघा राजकुमारी फाइन <coughs> तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में इकोलॉजी का बेसिक्स की लाइक बेसिक से डील अगर आप एक बार अच्छे से कर लेते हो तो पूरी इकोलॉजी आपको इंटरेस्टिंग लगती है So so, इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो यूज करने का, okay? so, का पहली बार इस्तेमाल किया था और इकोलॉजी होती क्या है हम इसको कहते हैं इट इज अफिक स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन दैट डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में ये एक साइंटिफिक स्टडी इकोलॉजी क्या है ये एक सब्जेक्ट है जो कि इको सिस्टम वहाँ पे रह रहे ऑर्गेनिज्म उनके बीच में क्या इंट्रैक्शन हो रहा है उसकी स्टडी करवाता है एक ऑर्गेनिज्म का रिलेशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसा है और एक ऑर्गेनिज्म का रिलेशन या फिर इंट्रैक्शन उसके इको सिस्टम से कैसा है इन सब से जो है इन सब की स्टडी ही कहलाती है दैट इज इकोलॉजी अगर हम एक इन्वायरमेंट को देखते हैं तो इन्वायरमेंट में बहुत से फैक्टर हो सकते हैं जैसे कि इन्वायरमेंट में ए बायोटिक फैक्टर हो सकते हैं बायोटिक फैक्टर हो सकते हैं और अगर कोई ऑर्गेनिज्म में रह रहा है तो वो बायोटिक फैक्टर से भी इंटरक्ट करता, करता है तो कलेक्टिवली वी कैन से द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट इज नोन एज वॉट दैट इज द इकोलॉजी सो इकोलॉजी में हमने देख लिया कि इस ढंग से एक साइंटिफिक स्टडी की जाती है इंट्रैक्शन को स्टडी किया जाता है और वो इंट्रैक्शन मिली किसी ऑर्गेनिज्म से हो सकता है या फिर किसी सराउंडिंग से हो सकता है अब अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि लाइक like ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे लेवल में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं तो जो सबसे छोटा लेवल होता है या सबसे आप कह सकते हो तो फर्स्ट यूनिट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है दैट इज योर इंडिविजुअल लेवल इट इज द बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद द इंडिविजुअल इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया एक ठीक है सिर्फ एक से स्टार्ट होता है जैसे कि आप सिंगल प्लांट कंसीडर कर सकते हो इंसेक्ट कंसीडर कर सकते हो एक बर्ड मतलब तो जो भी कंसीडर कर रहे हो सिर्फ एक कंसीडर कीजिए क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं एक लेवल पे बात कर रहे हैं ठीक है एग्जांपल के लिए अगर मैं मान लेती हूँ ए इज अ ऑर्गेनिज्म तो सिर्फ एक ही मेंबर होगा ए का राइट तो ये होगा वन लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पॉपुलेशन का तो पॉपुलेशन क्या होता है पॉपुलेशन का मतलब हो गया अगर मैं इस ए का जो कि इंडिविजुअल लेवल पे था इस एक का अगर मैं कलेक्शन कर दूं एक साथ तो वो अब पॉपुलेशन कहलाएगा सो पॉपुलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम याद पॉपुलेशन में जब भी हम बात करते हैं तो हम सेम स्पीसी के बारे में बात करते हैं और वो एक सिंगल एरिया में उस टाइम के लिए रह रहे होते हैं एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एक अगर मैं कलेक्शन करूं तो वो दैट इज इस ढंग से वो पॉपुलेशन बना देगा ठीक है नेक्स्ट कम्युनिटी कम्युनिटी क्या होता है कम्युनिटी एक्चुअल में आप कह सकते हो कि बहुत सारे पॉपुलेशन का कॉम्बिनेशन होता है सो कम्युनिटी आर मेड अप ऑफ सॉरी कम्युनिटी आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ इंट्रैक्टिंग प्लांट्स हो जाएंगे एनिमल्स हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि एक ही एरिया के अंदर एक साथ रह रहे हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं कम्युनिटी जैसे कि मान सकते हैं आप कि ए का पॉपुलेशन रह रहा है बी का भी पॉपुलेशन रह रहा है एंड सी का भी पॉपुलेशन रह रहा है ये सब एक ही साथ एक ही एरिया में रह रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये community बना के रह रहे हैं पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही टाइप के या एक ही टाइप ऑफिस सेम टाइप ऑफ स्पीस रहते हैं इंडिविजुअल में हम एक सिंगल लेवल पे डील करते हैं ओके जी सभी को गुड इवनिंग फाइन तो इस बेसिस पे हमने देखा कि हमने डिवाइड कैसे किया ठीक है तो स्पीसिस अगर हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहें अब मैंने इंडिविजुअल लिया आपको समझाने के लिए ठीक है इंडिविजुअल को हम क्या कर सकते हैं कह सकते हैं क्या होगा species को हम बोल सकते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल टाइल और बहुत सारे सॉरी स्पीसीस का जब ग्रुप मिलता है तो वो बनाता है पॉपुलेशन तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सर्टन स्पीसीस लिविंग इन अ इनटन एरिया जब बहुत सारे पॉपुलेशन मिलते हैं तो वो कम्युनिटी बनाते हैं दैट इज डिफरेंट पॉपुलेशन दैट लिव इन द सेम एरिया और बहुत सारी कम्युनिटी मिलके एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करती है अब इको में आपने देखा होगा दैट इज लैंड इको हो गया वाटर इकोसिस्टम इसके अलावा दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम ये सब क्या हो गया ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम हो गए लेकिन अगर आप फॉरेस्ट को कंसीडर कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधों को आप कंसीडर कर रहे हो आप एनिमल्स को भी कर रहे हो इंसेक्ट को भी कर रहे हो तो मतलब देर आर दी प्रेजेंस ऑफ सो मैनी डिफरेंट पॉपुलेशन और वो पॉपुलेशन होगा तो वेरी ऑब्वियस जब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन होगा तो वो कम्युनिटी बनाएगा और बहुत सारी जब कम्युनिटी एक साथ रहती है तो हम उसको इको कहते हैं सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ बोथ कम्युनिटी एंड दायोटिक फैक्ट्री इन अ एन एरिया और इको का जब बहुत सारे इको का हम कलेक्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोम्स सो द ग्रुप ऑफ इको सिस्टम दैट है सेम क्लाइमेटिक कंडीशन विल बी टर्म्ड एज अके नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज साइंटिफिक मेथड का लाइक like इकोसिस्टम जब जब इकोलॉजी को स्टडी किया जाता है तो देर आर सो मेनी थिंग जिसकी वजह से जो है इकोसिस्टम को एक्सप्लोर किया जा सकता है सबसे पहले कोई भी काम अगर हमें दैट इज इको में करना है तो ये देखना ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इकोलॉजी सबसे पहले कोई कोई भी मतलब रिसर्च चल रही हो या कुछ भी कर रहा कोई चीज़ हो कोई चीज खोजनी हो डिस्कवर करनी हो तो सबसे पहले क्या किया जाता है ऑब्जर्वेशन किया जाता है मतलब क्या होता है वी वॉच एंड टेक डिटेल नोट्स अबाउट द इको सिस्टम जिस इको सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कैसे चेंज हो रहा है क्या बिहेवियर शो कर रहा है हम उसे पहले वॉच करते हैं फिर उसके बाद उसका डिटेल नोट्स लेते हैं मतलब कि इको जैसे मान लीजिए अगर आप ही हैं और आप एक ईको एक सिस्टम को स्टडी करना चाहते हो तो क्या करोगे ऐसा तो है नहीं कि इको सिस्टम में मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को पकड़ के जो है उस पर रिसर्च करना शुरू कर दो इको सिस्टम का स्टडी का मतलब क्या होता है कि उनकी उनके एरिया में एंटर करके आपको स्टडी करना पड़ता है उनके एरिया जैसा आप एरिया लैब में अगर क्रिएट भी करते हो तो बहुत लंबे टाइम तक स्टडी नहीं कर सकोगे और इवन देर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ चांसेस की पता नहीं Lab का जो कंडीशन है उससे वो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट बिहेव कर रहा है या वो ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में में उतना ही डिफरेंट बिहेव करता है अपने नॉर्मल uh, हैबिटेट भी तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में ही सो वी वॉच एंड टेक द डिटेल नोट अबाउट द इकोसिस्टम नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटिंग टेकिंग एन आर्टिफिशियल एंड यूजिंग द साइंटिफिक मेथड ऑन इट तो मान लीजिए आपने कोई मतलब कि कुछ मेथड देखा या कुछ ऐसा बिहेवियर देखा जो ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल इकोसिस्टम में कर रहा था आप क्या करोगे अब आप, आप उस उसपे आप एक्सपेरिमेंट करोगे क्या एक्सपेरिमेंट कि अगर क्या आप उसको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देते हो बिल्कुल उसके इन्वायरमेंट जैसा ही तब वो कैसा बिहेव कर रहा है उसका बिहेवियर क्या एक ही तरह है मान लेते हैं यहाँ पे हम एर्गेनिज्म है ठीक है आपने क्या किया पहले इसको इसके नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व किया ये किसी भी टाइप का एक बिहेवियर शो कर सकता है फिर आपने क्या किया? आपने इसको एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए यूज किया जिसमें आपने इसे एक आर्टिफिशियल इन्वाट दे दिया अभी आर्टिफिशियल इन्वामेंट में क्या सेम टाइप से बिहेव करेगा जैसे ये अपने नेशनल एरिया में कर रहा था आंसर कुछ भी हो सकता है यस और नो दोनों हो सकता है लेकिन उसके बाद क्या होगा उसके बाद होगा मॉडलिंग ट इज यूजिंग अम्प्यूटर टू शो वॉट हैजन एंड है इकोसिस्टम अब अगर ये सेम बिहेव कर रहा है तो वेरी ऑबियस आप कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालोगे और नहीं भी कर रहा है तो भी रिजल्ट निकालोगे कोई ना कोई तो रिजल्ट आना ही है चाहे चाहे कोई रिजल्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो रिजल्ट तो हरेक का आता है राइट रिजल्ट जो है हर एक का आपको देखने को मिलता है तो मॉडलिंग उसके बाद क्या की जाएगी जो रिजल्ट निकलेगा उसके बाद मॉडलिंग की जाएगी दैट इज कंप्यूटेशनल टेक्निक का इस्तेमाल करके ये देखा जाएगा कि शो शो वॉट हैज व्हाट विल हैपन इन द इकोसिस्टम तो इसके ऐसे बिहेवियर से एक इकोसिस्टम में क्या हो रहा है और क्या होना हो सकता है आगे चल के ये सारी चीजें जो है मॉडलिंग में देखी जाएगी तो ये एक छोटा सा तरीका था कि लाइक देर आर सेवरल मेथड टू स्टडी द इको सिस्टम लेकिन कोई भी अगर इको सिस्टम को स्टडी करता है तो ये तीन मेथड को स्टार्टिंग में फॉलो करता है अगर वो इनिशियल बेसिस पे अपने नेशनल इको सिस्टम में स्टडी करता हुआ चल रहा है तो ओके नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट इकोसिस्टम के बाद चला आता है हमारा इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट क्या है इन्वायरमेंट डायनामिक है डायनामिक का मतलब क्या होता है जो कि एक जगह लाइक जो कि स्टैटिक नहीं रह सकता है इट विल चेंज विद टाइम और डायनामिसिटी बहुत ज्यादा होती है इकोसिस्टम में मतलब एक ढंग से ऐसा नहीं होता कि हाँ कोई भी चीज एकदम कॉन्स्टेंट रहे सो इन्वायरमेंट इज डायनामिक विच विच मीन्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट हम क्या कहते हैं अपने चारों तरफ के वातावरण को यानी सराउंडिंग को हम इन्वायरमेंट कहते हैं दिस दिस द इन्वायरमेंट इंक्लूड एवरीथिंग इन्वायरमेंट में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स भी चले जाते हैं दैट सराउंड ऑर्गेनिज्म एंड ऑल द बायोटिक कंपोनेंट लाइक एयर हो गया वाटर हो गया सॉइल हो गया लाइट हो गया एंड अफेक्ट दी बायोटिक कंपोनेंट तो जब इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं और वहां पे दोनों चीजें अवेलेबल हैं दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक तो वेरी ऑब्वियस जब इफेक्ट की बात आएगी तो दोनों अपना इफेक्ट देंगे अब डिपेंड करता है कि किसका इफेक्ट कैसा होगा ठीक है अगर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर के बारे में बात करें इन केस अगर आपको पता ना हो तो बायोटिक फैक्टर वो होते हैं जिनमें लाइफ होती है लिविंग फैक्टर्स को हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं और वो इको को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जैसे कि प्लांट हो गया ठीक है एनिमल्स हो गए बैक्टीरिया फंजाई ये सब एक बायोटिक फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं इको के ये बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं जिनमें की कोई लाइफ नहीं होती है बट फिर भी वो क्या कर सकते हैं इको को अफेक्ट कर सकते हैं जैसे कि हो गया वाटर फायर हो गया लाइट Soil, ये सब ए फैक्टर होते हैं बट ये आर है अपॉर्चुनिटी कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एनवाइ अब जैसे कि मान लीजिए एक एरिया में आग लग गई फायर आ गया तो वेरी <coughs> ऑब्वियस वो क्या करेगा वो वहां के इकोसिस्टम को इफेक्ट करेगा या फिर आप कह सकते हो कि एक एरिया में प्लांट कम है तो क्या होगा अगेन वो उस इको को इफेक्ट करेगा तो देर आर जितने भी बायोटिक एंड ए फैक्टर है सबका अपना अपना रोल होता है एक पर्टिकुलर एरिया में okay. अब हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं ये बायोटिक भी हमने देख लिया बायोटिक कंपोनेंट को थोड़ा सा हम और डिटेल पे देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट के केस में हम जो है ऑटोट्रॉप्स जैसे कि हम कहते हैं प्रोड्यूसर एंड हेटरोट्रॉप्स ठीक है ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स के बेसिस पे हम बायोटिक कंपोनेंट को डिवाइड करते हैं ऑटोट्रॉप्स यानी प्रोड्यूसर होते हैं यानी मेनली प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं हेट्रोट्रॉप क्या करते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स के ही दो टाइप हैं यहाँ पे जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर एंड एंडम्पोजर कंज्यूमर कौन कौन हो गया कंज्यूमर हो गया हर्बीव ठीक है कार्निवोर्स हो गए ओमनीवोर्स हो गए डिट्रीटिवस हो गए यानी कंज्यूमर के भी इतने टाइप है हर्बीवोर कार्वोर ओमनिवोर एंड डिट्रिटिव और एक्चुअल में हर्बीवोर दो टाइप का था कंज्यूमर एंड डी सो लेट्स सी वन बाई वन ये है क्या अगर हम ऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं तो ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं ठीक है ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज लाइक ग्रीन प्लांट्स हो गए जो कि अपना शुगर सिंथेसाइज कर सकते हैं सी ओ टू एंड एच टू ओ का इस्तेमाल करके और इन्हें हम कहते हैं क्या ऑटोट्रॉप्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं एन एग्जाम्पल्स इज प्लांट नेक्स्ट हेटरोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑर्गेनिज्म हु मस्ट ऑप्टेन कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म तो हेड्रोड्रॉप क्या होता है अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे वो फीड कर सकते हैं अब वो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट्स भी हो सकते हैं एनिमल्स भी हो सकते हैं ठीक है अब वो क्या कर सकते हैं वो या तो डेड ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म पे फीड कर सकते हैं या तो अलाइव ऑर्गेनिज्म पे फीड कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए हो गया एनिमल्स फंजाई एंड बैक्टीरिया अब अब हम हम क्या करेंगे अब को थोड़ा सा और डिवाइड कर देंगे हेट्रोड्रॉप में जो पहली कैटेगरी आई थी उसे हम कहते हैं ठीक हरबीवर हर्बी वर्बीव हर्बी वोर वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी एनर्जी लाइक दैट इज लेने के लिए मेनली प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं यानी प्लांट्स को ईटिंग सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं एंड ओनली प्लांट्स उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता कि प्लांट नहीं मिला तो छोटे मोटे से इंसेक्ट खा लिया ऐसा कुछ नहीं होता हर्बीवोर्स हर्बीवोर्स का नाम ही है इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे ही फीड करते हैं और उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने एनर्जी के लिए एग्जाम्पल के लिए हो गया काउ एलिफेंट एंड गोट नेक्स्ट आता है कार्निवोर्स कार्निवोर्स कौन से होते हैं कार्निवोर्स को हम मीट ईटर कहते हैं इज एन ऑर्गैनिज्मी एंड न्यूट्रिय रिक्वायरमेंट फ्रॉम डाइटिटेंटली मेनली और एक्सक्लूसिवलीफ दूधर थ्रू दी प्रिडेशन तो कार्निवर्स वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिय और अपना खाना लाइक कंज्यूम करने के लिए दूसरे एनिमल का इस्तेमाल करते हैं दूसरे एनिमल टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं सीधी सी बात कहें तो दूसरे एनिमल को खाने का काम होता है कार्निवर्स का एग्जाम्पल के लिए हो गया दैट इज योर कैट डॉग नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज ओमनीवोर्स तो ओमनीवोर्स क्या होते हैं एन एनिमल और अ पर्सन दैट ईट अ वैरायटी ऑफ फूड ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन तो ओमनीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट को भी लाइक like, प्रेफर करते हैं एंड दूसरे एनिमल्स को भी प्रेफर करते हैं फॉर देयर फीडिंग सोर्स जैसे कि हो गया रकून और हम ह्यूमंस

कैरी नेचुरल प्रोसेस ऑफ डीकोजिशन तो डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो डीकम्पोजिशन करवाते हैं और इनको हम डीकोजर्स कहते हैं, का मतलब क्या हैं? ये एक्चुअल में डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने का काम करते हैं और ये करते कैसे है दे सिक्रीट एनजाइम टू डाइजेस्ट दर्गेनिक मैटर एंड देन एब्जॉर्व द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स तो ये जब ये ब्रेकडाउन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे दे यूज टू सिक्रीट एंड एनजाइम उस एंजाइम को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए और डाइजेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट मिलता है उनको उसे ये कर लेते हैं एंड एग्जाम्पल के लिए हो गया दैट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई ये हो गए डी अब यहीं पे आता है नेक्स्ट जिसे हम बोलते हैं डिट्रिटी वो डिट्रिटी वोर्ड्स क्या होते हैं डिट्रिटी वोड्स एक्चुअल में ये भी हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म ही है हु डाइजेस्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर ये जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने का काम करता है जैसे कि हो गया अर्थ वॉर्म एंड वूडलिश लेकिन देखने वाली बात ये है यहां पे कि डिट्रीटी वोड्स एक्चुअल में मतलब कि ये डायरेक्टली डेड ऑर्गेनिक मैटर को दैट इज इंजेस्ट कर लेते हैं ठीक है खा लेते हैं लेकिन यहाँ पे जो डीकम्पोजर्स थे वो डायरेक्टली इसको इंजस्ट नहीं कर रहे थे वो पहले किसी एंजाइम को सीक्रिएट कर रहे थे ताकि वो उस ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करें और ब्रेक डाउन के बाद मतलब कि उसको एब्जॉर्ब उसको जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको वो एब्जॉर्व कर रहे थे ओके तो ये हो गया दैट इज डीकम्पोजर एंड डिट्री वोर्स का कंसेप्ट नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं एडप्टेशन एडप्टेशन क्या होता है तो एडप्टेशन जब भी हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम मेनली जीन लेवल पे इस्तेमाल करते हैं यानी यानी जेनेटिक लेवल पे कुछ कुछ ऐसा चेंज जो कि जीन लेवल पे फिक्स हो चुका है सो इट इज अ जेनेटिकली जेनेटिकली ये होता है इट मे बी अ बिहेवियर मॉर्फोलॉजी एंड फिजोलॉजी दैट इंप्रूव एन ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू सरवाइव एंड रिप्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर इन्वॉर्मेंट तो एक्चुअल में एडेप्टेशन एक ऑर्गेनिज्म करता क्यों है क्योंकि वो एडेप्टेशन एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल दे सकता है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट तो ये रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को बढ़ाता है सर्वाइवल की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है और इसके लिए जो जीन होंगे वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होंगे, मतलब कि चेंजेस जो होंगे वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होंगे और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं It the trait that the or over the और यह किया जाता है क्योंकि इस के अपना इंक्रीज कर लेता है चाहे वो रिप्रोडक्शन में हो चाहे वो सरवाइवल में हो इट टेक लॉन्ग टाइम टू अचीव लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग होता है क्योंकि कोई भी चेंजेस क्योंकि क्या हुआ? ये अच्छा खासा एक तरीके से आप कह सकते प्रोसेस हो गया और इवोल्यूशन को होने में बहुत लंबा टाइम लगता है ठीक है सो इट टेक लॉन्ग टाइम टू अचीव एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अवॉल्यूशनरी प्रोसेस और एज वेल एज ये एक इवोल्यूशन का पार्ट है क्योंकि एडप्टेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो डार्विन ने दिया था जिसमें कि उन्होंने यही कहा था कि जो भी कैरेक्टर कोई एक ऑर्गेनिज्म करता है वो कैरेक्टर जो है दैट इज uh, उसके ऑसप्रिंग में भी जाते हैं लेकिन ये एडेप्टन ऐसे ही नहीं होता इट टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम्स हेंस वी कॉल देम कि यस ये जो है इवोल्यूशनरी प्रोसेस का पार्ट है जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो जो डेजर्ट एरिया होता है डेजर्ट एरिया में रहने वाले प्लांट्स अक्सर जो है दैट इज वाटर की डेफिशिएंसी से सफर करते हैं तो वहां पे प्लांट ने क्या अडोप्टेशन किया है कि वहां पे मैक्सिमम आपको जो है दैट इज सक्यूलेंट प्लांट देखने को मिलेंगे यानी ऐसे प्लांट जिनके लीफ जो है वो बहुत ज्यादा थिक हो चुके हैं <coughs> और आप इस ढंग से कह सकते हो कि उनकी थिकनेस इसलिए है क्योंकि वो वहां पे वाटर को स्टोर करके रखते हैं साथ ही साथ आपको जो है बहुत ही कांटेदार यानी दैट इज योर स्पाइन्स वाले वहां पे प्लांट्स देखने को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी पे लीव्स का नंबर भी कम कर लिया है इसलिए किया है क्योंकि लीव्स का नंबर अगर कम रहेगा तो ट्रांसपिटेशन कम होगा ट्रांसपिटेशन कम, कम होगा तो ऑटोमेटिकली वाटर का लॉस कम होगा और साथ ही साथ इन्होंने अपना एडप्टेशन ऐसे किया है कि ये अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर को स्टोर करके रख पाते हैं अपने स्टेम और लीव्स दोनों में तो ये क्या हो गया ये एक टाइप का एडप्टेशन हो गया जो कि जिसकी वजह से उस एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स सर्वाइव कर पाते हैं अदरवाइज अगर इनके पास बहुत ज्यादा दैट इज योर लीव्स हों ठीक है ये वाटर स्टोर ना करें तो इनकी लाइफ वहां पे प्रॉपरली चल नहीं पाएगी इतने ही नहीं डेजर्ट तो एरिया में रहने वाले प्लांट्स की बॉडी पे क्यूटिकल्स का जो थिकनिंग होता है वो बहुत ज्यादा देखा जाता है ताकि वो भी ट्रांसपिरेशन के लॉस को कम कर सके और वहीं पे अगर आप नॉर्मल केस में नॉर्मल जगह में देखोगे तो क्यूटिकल की थिकनिंग बहुत कम होती है ओके <coughs> नेक्स्ट okay. देखते हैं एक्लोमाइजेशन के बारे में बात करते हैं एक्लोमेटाइजेशन के बारे में एक्लोमेटाइजेशन acclimat, होता क्या है सो इट इन्वॉल्व दिजोलॉजिकल एनाटोमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एडजस्टमेंटेट जस्ट अडजस्टमेंट मतलब की कि किसी चीज को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है ये एक जीन लेवल पे नहीं होता है ठीक है मतलब की इसके पीछे एक जीन इन्वॉल्व नहीं है जैसे कि मान लीजिए कभी आप मान लेते हैं कि आप एक महीने के लिए शिमला घूमने चलेगा ठीक है तो शिमला का मौसम और नॉर्मल जगह के मौसम में बहुत डिफरेंस रहेगा लेकिन एक मंथ तक जब आप शिमला के मौसम में वहां पे रहोगे तो आप वहाँ के लिए वहाँ की जो भी मतलब कि आप कह सकते हो कि हैबिटेट है वहां की जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप खुद को एडॉप्ट करने करने लगोगे लेकिन वो एडेप्टन यानी वो जो आपकी आदतें हैं वो सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए होगी बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होगी और इस टाइप का एडेप्टन जीन लेवल पर फिक्स नहीं होता ये सिर्फ हमारे बिहेवियर में चेंजेस होता है हमारे रहन सहन में चेंजेस होता है और ये क्यों होता है बिकॉज हमने इन्वायरमेंट को चेंज किया है एंड इज वाई इस टाइप के बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक्लिमेटाइजेशन के लिए हम एडेप्टन वर्ड यूज करें तो वो गलत हो जाता है लेकिन हम क्या करते हैं हम टेम्पररी एडप्टेशन वर्ड यूज करते हैं क्योंकि अडेप्टेशन वर्ड अपने आप में ये बताता है कि कोई चीज जेनेटिक लेवल पे फिक्स हो गई है लेकिन यहाँ पे जो है हम टेम्पररी एडेप्टन बताते हैं ऑल दो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे टेम्प्रेरी लेवल पे कुछ भी चीजें नहीं होती हैं तो सॉरी सा, परमानेंट जीन लेवल पे कोई भी चीजें नहीं होती हैं सब टेम्प्रेरी लेवल पे होती है इट इज जस्ट अ वे टू एडजस्ट जैसे हम किसी भी किसी के भी एरिया में जाते हैं तो थोड़ी दिनों के लिए अगर वहां रहना है तो वहां पर एडजस्ट कर लेते हैं बिल्कुल ऐसा ही होता है इट टेक डेज टू वीक इसलिए इसमें सिर्फ कुछ दिन या वीक का टाइम लग सकता है एडॉप्ट करने में अगर ड्यू टू द चेंज इन हैबिटेट और इसके होने के पीछे का रीजन क्या है बिकॉज हैबिटेट में चेंज आया है That is why जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ऑर्गेनिजम ने भी अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज कर लिया है अपने टेम्पररी एडेप्टेशन में चेंज कर लिया है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अः हम हमारी ये बात कर लेते हैं अभी फिलहाल में विंटर कंडीशन चल रहा है कितनी ही जगह इतनी ठंड है कि वहां पे लोग जो है दैट इज आग चलाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ बहुत ठंड लगता है तो हम क्या करते हैं हम शिवरिंग करते हैं कांपते हैं लेकिन किसी को शिवरिंग जो है गर्मी के मौसम में नहीं होती है बट ये शिवरिंग का ये जो दैट इज बिहेवियर है वो हम कब डेवलप करते हैं वो हम दैट इज विंटर की सीजन में ही डेवलप कर पाते हैं ऐसे नहीं डेवलप करते हैं किसी को आपने गर्मी में कांपते हुए नहीं देखो अरे भाई बहुत गर्मी लग रही है मुझे कप कपी हो रही है ऐसा कभी नहीं देखो यार तो देर आर सम बिहेवियर जो कि आप टाइम के साथ साथ देखते हो जैसे कि शिवरिंग शिवरिंग एक हो गया। एक्सपोज्ड टू द कोल्ड वेदर साथ ही साथ जो शिप होती है उसमें वुल की थिकनेस जो है वो कोल्ड कंडीशन में बढ़ जाती है एंड वार्म कंडीशन में कम रहती है ठीक है <coughs> ओके तो इज इट क्लियर टू एवरी वन एक्लिमेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है स्पाइट जस्ट नेगेटिव नेगेटिव रिलेशन ठीक है स्पाइट में नेगेटिव नेगेटिव रिलेशन होता है परफॉर्मर और रिसीवर दोनों को ही उसमें लॉस हो रहा होता है तो जो परफॉर्मर होता है उसे इनडायरेक्ट लॉस हो रहा होता है जो रिसीवर होता है उसे डायरेक्ट लॉस हो रहा होता है uh, शिवम ओके okay? ग्रेट चलिए तो इसके साथ हमारा बेसिक का पोर्शन कंप्लीट होता है कल हम आपसे बात करेंगे अगेन पार्ट टू में ठीक है कल भी इसी टाइम पे पार्ट टू होगा आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जिन्होंने भी हमें लेट ज्वाइन किया है मेक श्योर गाइज एनअकेडमी आपके लिए कॉम्बैक्ट सीरीज लेकर आया है कॉम्बैक्ट सीरीज में आप ये कर सकते हो बार प्लेटफॉर्म पे विजिट करते हो प्लेटफॉर्म को अनलॉक करने के लिए कोड यूज कर सकते हो इससे प्लेटफॉर्म अनलॉक हो जाएगा और आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो ये क्विज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है विद सम गुड रिवॉर्ड जो कि आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है टाइमिंग होगी सेवनटीन जनवरी एंड टू पी एम से और अगर आपको इसका लिंक लेना है तो लिंक जो है मेरी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्योति कुमारी यान अकेडमी ओके और आप में से कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे दैट इज uh, मेरे रेफर कोड को इस्तेमाल करके टेन परसेंट का डिस्काउंट ले सकते हैं दीज आर दी अमाउंट सिक्स मंथ के लिए अमाउंट है एंड ट्वेल्व मंथ के लिए अमाउंट है तो अकॉर्डिंग टू यीड यू कैन मूव ऑन ठीक है और किसी को कोई दिक्कत होती है तो मैं प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ पर्सनली मैसेज कर सकते हैं पर्सनल मैसेज करने में दिक्कत होती है तो टीचिंग पाठशाला रिलेटेड क्वेरी हो या गाइडेंस रिलेटेड क्वेरी हो ओके चलिए तो आपसे मिलते हैं कल थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन कल मिलना होगा सिमिलरली इसी टाइम पे ओके ओके बाय वन